धोखेबाज अपनी छोटी छोटी बातें बताकर यहां छिपने की कोशिश कर रहा था तू। ये क्या बकवास कर रहा है तू? टेररिस्ट है ना तू? टेररिस्ट? ये क्या कह रहा है? तो हॉल में तुम्हें क्या बकवास किया जा रहा है? तू उसका क्या करने वाली? धोखा दिया है तूने मुझे, दिल तोड़ा है मेरा। अब तक मैं एक सांप को पाल रहा था, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं नहीं जानता तू ये क्या कर रहा है। कभी तू मुझे बचाता है और कभी मुझे मारने के लिए मुझे टूट पड़ता है। मैं जानता हूं मैं कौन हूं, लेकिन शायद तू ये नहीं जानता मैं कौन हूं। मैं तुझे कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं सच कह रहा हूं? मेरा फोन क्या कर रहा था तेरे पास? किससे बात कर रहा था तू? तू नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा था? नहीं जानता? मेरे पीछे गुंडे लगे हुए हैं, उनसे बचने के लिए मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। और अब भी तुझे यकीन नहीं है ना? ले ले, मार दे मुझे, मार दे, मार दे मुझे, मार दे, मार दे मुझे। अब यकीन हुआ मुझ पर? जुनैद, जुनैद सुन, तुझे आवाज आ रही है? जुनैद, जुनैद माफ कर दे मुझे, बहक गया था मैं।
चल मेरे साथ चल। पर कहाँ? कहीं भी नहीं जा सकता। क्यों? सुनैद, मैं नहीं चाहता मेरी कल का काला साया तेरे आने वाले कल पर पड़े। बचपन से अब तक की जिंदगी मैंने यतीम खाने में गुजारी है और अब तो मुझे ऐसी जिंदगी की आदत हो गई है, लोगों से बचते बचाते भागते भागते थक चुका हूं मैं। तू मोहब्बत करता है मुझसे? खुद से ज्यादा। तो फिर सब कुछ भूल भाल के चल मेरे साथ, एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। Thank you.
जरा देख मुझे, जरा देख मेरी तरफ, जरा मैं यही हूँ, जरा मेरा निकाह में जाने का कोई इरादा नहीं है। आपका तो मेरे साथ जाने का ही दिल ही नहीं करता। वैसे भी आप जाकर वहां करोगे भी क्या, कोने में जाकर बैठ जाओगे? साफ साफ क्यों नहीं कह देते आपको मुझसे मोहब्बत ही नहीं है? मोहब्बत तो बहुत है मगर तुम्हें दिखाई नहीं है। कहां देखो मोहब्बत इस पिंजरे में, मुझे तो कहीं दिखाई देती ही नहीं है। आपके लिए मैंने अपने अम्मी अब्बू छोड़े, अपने रिश्तेदार छोड़े, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ी, यहाँ तक कि मैंने अपना शहर भी छोड़ा, और आपने मुझे क्या दिया, ये पिंजरा? तुझे पता है मैं मोहब्बत करता था चाची से, लेकिन वो शहर को पसंद करती थी। उसने मेरी मोहब्बत की कभी कदर नहीं की नूर। उसे लगता था कि 15 साल का लड़का 22 साल की औरत से कैसे मोहब्बत कर सकता है। उसका ये सोचना गलत था। मैं चाहता था कि वो एक दूसरे से दूर हो जाए। तुम उससे रहा नहीं गया। मैं हुसैन को चाची की जिंदगी से दूर करना चाहता था, और इसलिए मैंने बाहर से हत्या लाकर घर और दुकान में छुपा दी, और हुसैन पर झूठा इल्जाम लगाकर चाचा और चाची को ये बात बताई, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने उनकी मुखमरी आर्मी वालों से कर दी उनको सबक सिखाने के लिए, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था उस मुठभेड़ में चाचा को भी मार दिया जाएगा। मैं कातिल हूं चाचा का, मैं कातिल हूं चाची का नूर, मैं कातिल हूं तेरी मोहब्बत का। कोई हक नहीं है, मुझे कोई हक नहीं है जीने का। तुझे कुछ नहीं होगा, सुनैद तो ठीक है ना? आज मोहब्बत और नफरत की जंग में मोहब्बत जीत गई और नफरत हमेशा के लिए हार गई। कहते हैं जब मोहब्बत नफरत से जीत जाती है तो खुदा की बनाई ये जमीन जन्नत की तरह हसीन हो जाती है।
अहमद ने जो गलतियां की उसकी सजा उसने खुद को देकर आज ये साबित कर ही दिया कि मोहब्बत की ताकत के आगे खुद खुदा भी झुकता है, तो फिर इंसान क्या चीज है। नफरत की दीवारें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, मोहब्बत उसे फलांग ही लेती है। क्यों अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि खुदा ने इंसान को मोहब्बत करने के लिए बनाया है, नफरत करने के लिए नहीं।